बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको आलू गोश्त की रेसिपी बताऊंगी कि किस तरह बनते हैं। ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने इस्तेमाल करने हैं रेसिपी बनाते हुए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एक पैन लेना है, उसमें हमने घी को ऐड करना है। उसके बाद जो हमने प्याज कट किए हुए हैं वो हमने इसमें मिक्स कर देने हैं, और उसके बाद हमने इसे फ्राई करना है। ये लहसुन का पेस्ट है जो हमने ऐड करना है, लेकिन अभी किया नहीं है। प्याज हैश ब्राउन होने तक हम लहसुन नहीं ऐड करेंगे। जब ये हैश ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम लहसुन ऐड कर देंगे। अब उसके बाद ये जो लहसुन है वो हमने उसमें डाल देना है। डालने के बाद मिक्स करना है। इसके बाद हमने दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं मसाला बनाने के लिए। मिर्च 1 खाने का चम्मच, खुश्क धनिया 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 खाने का चम्मच, सॉल्ट 1 खाने का चम्मच, जीरा बगैर कुटा हुआ 1 खाने का हाफ थोड़ा सा। इसके बाद इसको मिक्स करना। इसके बाद हमें इसे फ्राई करना अच्छी तरह, और इसमें टमाटर कटे हुए डाल देने हैं। के बाद हरी मिर्च मिक्स करनी है, चिकन 1 किलो, ये हमने मसाला जो बनाया है उसमें मिक्स कर देना है। मिक्स कर दिया। अब इसे हमने चम्मच की मदद से मिक्स करना है, और अच्छी तरह 5 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब हमने इसमें आलू ऐड कर देने हैं। आलू ऐड करके देन हमने फिर दोबारा से फ्राई करना है, और हमने इसमें पानी नहीं मिक्स करना, ये अपना पानी खुद छोड़ेगा और देन पक के तैयार हो जाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब हमने इसे 10 मिनट तक भाप पे रखना है। 10 से 15 मिनट भाप पे रखने के बाद हमने चेक करना है। ये देखें अच्छी तरह फ्राई हो रहा है, अंदर से उबाल आ रहे हैं। अब हमने देखना है, देखिए हमारा सालन चिकन और आलू पक के तैयार हो चुके हैं कम्प्लीटली। देन अब हमने इसमें इसे सर्व करना है। सब्ज़ धनिया जो हमने उसमें मिक्स करनी है, चलिए हम सर्व करेंगे। प्लेट लेंगे, उसमें हम जो बना हुआ चिकन है वो मिक्स करेंगे, सॉरी रखेंगे, और ऊपर हल्दी धनिया सब्ज़ धनिया हमने लगा के देखो हमने सर्व कर लिया। ये देखिए हमारी कितनी यम्मी रेसिपी बनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।